श्रेणी जी शुक्ला जी, विद्यालय के प्राचार्य जी और उनके बहुत ही होनहार पुत्र प्रिय हमारे अर्पित जी, हमारे सामने बैठे कुंवर धनंजय जी, हमारे सामने बैठे हमारे बहुत ही योग्य कुलपति रहे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के आदरणीय श्रीमान राधाराम यादव जी, मुगरा पार्क शाहपुर नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय कपिल मुनि जी, हमारे बीच से बैठे हैं आदरणीय बोधनाथ मिश्र जी बैठे हैं, हमारे बीच में कई संस्थाओं को चलाने वाले श्री हमारे राजन सिंह जी बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे सभासदगण बैठे हैं, विद्यालय परिवार के सम्मानित शिक्षकगण हैं, हमारे सम्मानित शिक्षिकाएँ हैं, हमारी प्यारी बेटियाँ हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, क्षेत्र के आए हुए हमारे संतुगण हैं, हमारे अतिथिगण हैं, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी शुक्ला जी को, जिन्होंने इस विद्यालय को बिल्कुल दुरुस्त की तरह सजाया हुआ है और विद्यालय की जो आभा है, विद्यालय की जो खूबसूरती है वो बहुत दूर से दिखाई पड़ रही है। यह विद्यालय देखते ही देखते कब इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल करिश्मा हो गया। ये विद्यालय बिल्कुल जादू की तरह बड़ा हुआ है। पहले जब मैं आई थी विद्यालय में तो तब भी अच्छा था, लेकिन आते आते देखते देखते यह विद्यालय इतना जल्दी तरक्की कर जाएगा इसकी कल्पना मुझे नहीं थी। लेकिन आपके अथक परिश्रम से, आपके मेहनत से, आपके परिश्रम से, क्षेत्र वालों के सहयोग से, क्षेत्र वालों के आशीर्वाद से आपने अपने विद्यालय को एक ऊंचाई प्रदान किया है। मेरी शुभकामना है, मेरा शुभ आशीर्वाद है, मेरा शुभ आशीष है, आपका विद्यालय बुलंदियों को छुए, आपका विद्यालय आगे बढ़े। समय समय पर हमसे जो भी बन पड़ता है, आपके परिवार के होने के नाते, विद्यालय परिवार से जुड़े रहने के नाते, शिक्षित परिवार के होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, समय समय पर जब भी हमें कुछ अवसर मिलता है हमें विद्यालय परिवार में जुड़ करके अपना सहयोग दे करके अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने भी एक विद्यालय परिवार में कोई अपना योगदान दिया। और मैं आज ये कहना चाहूँगी विद्यालय का जो वार्षिकोत्सव है, बच्चों की बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हमारे बच्चे सब ने अपनी अपनी तैयारी करके आए हैं। कोई बढ़िया एकांकी नाटक प्रस्तुत करेगा, कोई गीत गाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। अभी हमारी बेटियों ने कितना बढ़िया संगीत गाया, बेटी ने हमारे खुद हारमोनियम बजाया, ये हमारे लिए बिल्कुल खुशी की बात है। मोदी जी का सपना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सपना है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही तो मोदी जी का सपना है कि हमारी बेटियां आगे बढ़े, हमारी बेटियां इतनी आगे बढ़ जाए कि हम देखते ही रह जाए। आज हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, मैं अपनी बेटियों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और विद्यालय में पढ़ने वाले अपने प्रिय बच्चों को, जो बच्चे हमारे बहुत छोटे हैं, ये हमारे भारत के भविष्य हैं, ऐसे बच्चों से, विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से मेरी ये अपील होगी कि आप सभी लोग अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करिए। और मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ, बस कुछ सालों में अगर आपने परिश्रम कर लिया, कक्षा इंटर तक की पढ़ाई में अगर अपना आपने अपना दिमाग एकाग्रचित कर लिया, आपने परिश्रम से इंटरमीडिएट की परीक्षा को ग्रहण कर लिया, तो मैं आपको यह विश्वास देना चाहती हूँ आने वाले दिनों की चुनौती होगी, हर चुनौती से लड़ने को आप तैयार रहेंगे, ऐसा मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। मैं अनिल शुक्ला जी को बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आपका बेटा आपसे भी अच्छा निकल गया, और शर्मा जी, गिरीश शर्मा जी के सुपुत्र जी हमारे बीच में है, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपकों की मेहनत से, आप लोगों के परिश्रम से यह विद्यालय बड़ी उन्नति को आगे की तरफ जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहती हूँ, मेरे लायक कोई भी सेवा होगी, मेरे लायक कोई भी सहयोग होगा, मेरे लायक कोई भी सेवा होगी, किसी भी प्रकार का सहयोग होगा, रात को 12 बजे भी अगर आप याद करेंगे तो हमको अपने नजदीक पाएंगे, यह मैं आपको आश्वासन देते हुए, क्योंकि मुझे जाना है 6 बजे का कहीं पर कार्यक्रम है, और महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी भी ड्यूटी लग गई, हमको भी कल महाराष्ट्र निकल जाना है, इसीलिए मैं विद्यालय का कार्यक्रम नहीं देख पा रही हूँ। कभी फुर्सत के समय में आऊँगी, अपने बच्चों का कार्यक्रम देखूंगी, जाने का मौका मिल जाएगा।